ओके गाइस, तो मार्केट ओपन हो चुका है और हमने बाई कर लिया है 42,800 का सीई। तो करंटली कॉस्ट के आसपास चल रहा है, जस्ट हमने इस वाले कैंडल पे बाई किया है। तो बात कर लेते हैं हमने यहाँ पे सी साइड का पोजीशन क्यों बनाया है। देखिए मार्केट जैसा कि गैप डाउन ओपन दिया, गैप डाउन ओपन देते ही यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्ट अपने जो क्लोजिंग प्राइस होता है क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेके अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल बनाया। वैसे क्या गैप डाउन ओपन होता है, मतलब क्या होता है, एक पॉइंट सेलर के लिए वैसे नेगेटिव हो जाते हैं। रेजिस्टेंस के आसपास अगर इस टाइप का कैंडल बनता है तो सेल करना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखा। और दूसरा कि मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ तो वैसे में क्या होगा, जो बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे वो तो निकल गए होंगे, तो मार्केट अब डायरेक्टली इस तरह से गिर नहीं सकता, क्योंकि अगले दिन भी देखे तो मार्केट कुछ इस तरह से ही ऊपर जाके नीचे के साइड आ गया था। तो डेली डेली सेम चार्ट मार्केट रिपीट तो करता नहीं है, ठीक है। अगर आ जाता है नीचे के साइड तब अब हम, अरे फॉलिंग आ रहा है, हमारा एसएल है इसके नीचे नीचे 60 पॉइंट का, 750 के आसपास का हमारा लॉस है, तो मार्केट को वो दे देंगे। और हम लॉस के आसपास आ ही गए तो यहाँ से अब एग्जिट करना पड़ेगा मार्केट यहाँ से। एक ही कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, मार्केट डाउन साइड आ गया यहाँ से, तो जैसा हमने सोचा था वैसा काम किया नहीं, मार्केट एग्जैक्ट फिर से यहाँ से डाउन साइड आने लगा। वैसे मार्केट ज़्यादा डाउन साइड आ नहीं पाएगा यहाँ से, ठीक है, जो प्राइस एक्शन बना हुआ नीचे के साइड ज़्यादा एसएल तो मिलेगा नहीं मार्केट को, हो सकता है यहाँ पे ये ट्रैप करने के लिए ऐसा किया हो, तो ठीक है कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट से डायरेक्टली नीचे के साइड आ रहा था, तो हमें लगा यहाँ से एक मोमेंटम दे सकता है। और अगर इसका पिछले दिन भी सेम कुछ इसी तरह से क्या किया था, ऊपर जाके फिर से डाउन साइड आ गया था, तो मुझे लगा मार्केट डेली डेली सेम चार्ट तो रिपीट करेगा नहीं, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखते हुए। ऊपर से गैप डाउन ओपन हुआ था तो बहुत लोग गैप डाउन ओपन होने से सेल करते हैं, और तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बना लिया था। तो मार्केट यहाँ से ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नीचे के साइड जाएगा, यहाँ पे चांस है कि मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि नीचे के साइड भी यहाँ से आएगा तो मार्केट को ऐसे मिलेगा नहीं, ये इसी के बीच ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है, बाय सेलर दोनों को परेशान करेगा, तब जाके कोई एक साइड मोमेंटम दे। तो ठीक है, हमारा ऐसे लीड हो चुका है, हमने पोजीशन बाई किया था 9:26 में, 9:28 में हमारा काम तमाम कर दिया मार्केट ने, ठीक है, 2 मिनट के अंदर ही। तो ठीक है कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।